चलिए हम पढ़ते पढ़ते पहुंच गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है इसको देखने हैं, लेकिन इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की कोई इंडिविजुअल तैयार हो जाए उसे क्या कहते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों जब इंट्रोडक्शन दिए थे इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ गए थे। वो क्वेश्चन जो बच्चों के साथ पूछे गए कि सर क्या ये फिजन बर्डिंग स्पोरुलेशन जेम्यूस और फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल के अंतर्गत नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। हम वहां पर बताए थे ए गैमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ए गैमोस्पर्मी यानी कि एपोमिक्सिस और हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये हम यहां पर बता रहे हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का हम लेकर चले हैं रिप्रोडक्शन, ना कि लोअर प्लांट्स का। तो लोअर प्लांट्स एंड लोअर एनिमल में फिजन भी होता है, बागरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोरेशन, जू स्पोर, कोनिडिया, जेम्यूस, फ्रेगमेंट, इसको हम अलग से बताएंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है, लेकिन हम चल कहां पर रहे हैं लोअर नहीं, हम चल रहे हैं हायर प्लांट पर यानी फ्लावरिंग प्लांट पर। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन एगैमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो मेथड हैं। एपोमिक्सिस एक्चुअली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, पर एगैमोस्पर्मी को स्पेशल रूप से एपोमिक्सिस कहा गया है। देखिए तो रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपो मींस विदाउट, मिक्सिस इन मिक्सिंग। इन द फ्लावरिंग प्लांट्स टू मेन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट बात कर रहे हैं, लोअर प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, लोअर एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं हम फ्लावरिंग की। इसलिए हम एगैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हम यहां पर डिस्क्रिप्शन करेंगे। अभी देखिए एगैमोस्पर्मी की डेफिनेशन क्या है। इन दिस कैटेगरी प्लांट प्रोपेगेटेड थ्रू सीड, सीड के थ्रू ही हो रहा है रिप्रोडक्शन, सीड के थ्रू ही प्रोपेगेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। बट एम्ब्रियो फॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिंगेमी। ये कैसे संभव है? ये संभव है, ये पॉसिबल है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिंगेमी। जब हम पॉली एम्ब्रियोनी की बात कर रहे थे वो रीजन यही थे। पर अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एगैमोस्पर्मी, डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। हम वहां पर पॉली एम्ब्रियोनी में इसका एग्जांपल दे चुके हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड एपोस्पोरी। एपोगैमी, एपोस्पोरी बता के लेकिन यहां एपोगैमी नहीं आया, एपोस्पोरी आया। तो देखिए डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी व्हेन मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होती है डायरेक्टली गिव्स राइज टू एन एम्ब्रियो सेल विदाउट मियोसिस। अब हम सिंपल देखिए, सिंपल जब देख रहे थे तो मेगा स्पोर मदर सेल जो कि 2m थी ओव्यूल के अंदर, मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस हुई थी, 4 मेगा स्पोर बने थे जिसमें से 3 डी जनरेट हो गए थे, एक फंक्शनल बचा था, एक फंक्शनल हुआ था वो भी n हुआ। तो n यानी पूरा एम्ब्रियो सेल पिछला डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यदि पढ़ाए थे हम, यदि उसको पढ़ के आते हैं तो देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट एक हैप्लोइड यानी एन सिनर्जिक एन हैप्लोइड सिनर्जिक और एंटीपोडल एन जितने भी सब हैप्लोइड हैं, लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं डिप्लोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी में मियोसिस नहीं हो, ये सीधे ये कुछ नहीं हो रहा, सीधे ये क्या बना दिया फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक बना दिया, सीधे एम्ब्रियो सैक बना दिया। जब सीधे एम्ब्रियो सैक बना दिया मियोसिस नहीं था, 2n है तो एग भी 2n हो जाएगा, एग भी क्या हो जाएगा 2n, सिनर्जिड भी 2n, सभी सेल्स जितनी भी है इसके अंदर 2n डिप्लॉइड ही रहेंगी।
तो जब डिप्लोइड ही रहेंगी तो फिर जब डिप्लोइड है तो इस एग को फिर मेल गैमेट से फ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि सिनगैमी की कोई आवश्यकता नहीं। अब एक डिप्लोइड है, जब डिप्लोइड है तो ये सीधे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। तो एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए ऐसी मेथड को हम क्या कहते हैं, डिप्लोस्पोरी। दिस एम्ब्रियोसाइट ऑलवेज डिप्लोइड टुगेदर रहेगा, एक भी डिप्लोइड है तो फर्टिलाइजर कोई आवश्यकता नहीं। एग्जांपल है पार्थेनियम ग्रास। पार्थेनियम ग्रास यानी जिसे हम गाजर घास के नाम से जानते हैं, नॉर्मल तौर पर गाजर घास, उसमें यही है। इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, फ्लावरिंग आई नहीं और उसका उसका जो एग है उसको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है और सीधे वो उसका एग और कोई भी डिप्लोइड सेल जर्मिनेट कर जाती है, सीधे एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। तो एग ही डिप्लोइड है तो चाहे वो डिप्लोइड होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। तो डिप्लोस्पोरी मीन्स हुआ कि मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस के ही नहीं, सीधे फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो से बना दी। अब आते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। पिछले लेक्चर में बताया था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लोइड सेल न्यूसेलस एंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल एक्सेप्ट एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को छोड़ करके यानी कि जो मेगा स्पोर मदर सेल एम्ब्रियो सैक बनाई या एम्ब्रियो सैक बना उसके बाहर न्यूसेलस इंटेगुमेंट है जो भी है। एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लोइड सेल न्यूसेलस इंटेगुमेंट इससे किसी से भी बन जाए तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसको हम पॉली एम्ब्रियोनी में एग्जांपल भी दे चुके हैं, सिट्रस और मैंगो। ये देखिए ये पॉली एम्ब्रियोनी में हम इसको एग्जांपल दे चुके हैं। अब एपोस्पोरी, एपोस्पोरी एम्ब्रियो सेल फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लोइड सेल एक्सेप्ट मेगा स्पोर मदर सेल। यहां पर भी वही हालत है, एम्ब्रियो सेल फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लोइड सेल एक्सेप्ट मेगा स्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस इन नोन है। अब एग्जांपल है इसका रैनन उलस। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एपोमिक्सिस जिसे एगैमोस्पर्मी जिसे हम कह रहे हैं बेसिकली वही एपोमिक्सिस होता है, पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरे को ही क्या कह सकते हैं, एपोमिक्सिस, क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन किसी में नहीं हो रहा, ना वेजिटेटिव में हो रहा ना अदरवाइज में हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ।